ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। डैड लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस गाइस, आज मैं आप सभी के लिए आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड लव मैसेजेस निकालने वाली हूँ। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और यहाँ पर हैंड रिटन मैसेजेस भी है, उन्हें भी मैं निकालूंगी। और मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कैसी कैसी मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस आपको भेजते हैं इन कार्ड्स के जरिए और इन मैसेजेस के जरिए। ओके, इनमें उनकी भावनाएं छुपी होंगी। भले ही आवाज मेरी होगी, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये मैसेजेस, ये फीलिंग्स, जितनी भी इमोशंस है, ये आपके पर्सन की तरफ से आपको डिलीवर होने वाली है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से, मेरे जवान से जो भी निकलेगी, वो जो है आपको यहाँ पर एज अ चैनल्ड मैसेजेस लेना है। ठीक है, तो पहले हम टैरेट से निकालेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन क्या मैसेजेस आपको भेजना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड आया है फाइव ऑफ वैंड्स। फाइव की दो एनर्जीज निकली है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए फाइव की कितनी एनर्जीज निकली है। फाइव ऑफ सोर्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, स्टार, हाई प्रिस्टेस। ये कार्ड गिरा है गाइस, मून। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, पर इसे हम सीधे ही लेते हैं हाथ। चूंकि मजिशियन और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड यहाँ पर निकले हैं, ले लेते हैं गाइस। अब एक और निकालते हैं हम, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम में इनकी एनर्जी आई है टेन ऑफ पेंटिकल्स की। यहाँ से भी कुछ मैसेज निकालते हैं गाइस, और एक साथ ही मैं आपको चैनल्ड मैसेजेस इनकी तरफ से दूंगी। ओके, गाइस मैंने निकाल लिए हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स जिसमें मैसेजेस लिखे हुए हैं आपके पर्सन की तरफ से, इन्हें हम देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको साइन और एलिमेंट नहीं बता रही, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सभी साइन और एलिमेंट मौजूद है। वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन भी है। ओके, सभी साइन यहाँ पर मौजूद है गाइस। तो अब शुरू करते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। स्टे पॉजिटिव गाइस। तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, तुम्हारे दिल को तोड़ा है। आज मैं हिम्मत करूं भी तो कैसे। मैं खुद को, अपने आप को जिम्मेवार ठानता हूं, मानता हूं,
कि आज अगर तुम और मैं अलग हैं, जुदा हैं, तो इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं आज एक ऐसा हारा हुआ इंसान हूँ जो एक संबंध में फेल हो गया, रिलेशनशिप में फेल हो गया है। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, मुझे किसी पर अब भरोसा नहीं रहा। मैंने एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है जिसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया था, और मैं उस इंसान की कदर नहीं कर पाया। हाँ, मैं जानता हूँ जब हम रिलेशनशिप में थे तब मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, तुम्हारे साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ की है, तुम्हें कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी है। तुम हमेशा मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्यार मांगते रहे और मैंने बदले में तुम्हें क्या दिया? दर्द, धोखा, चोट, आंसू, बस यही तो मिला है तुम्हें मुझसे, है ना? मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं बहक गया। मैं लोगों की बातों में बहक गया, मैं लोगों की बातों में आ गया, और मैंने तुम्हारे जैसे एक इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। तुम्हें मेरे साथ रिश्ते में कुछ नहीं मिला, मैं जानता हूँ। बहुत आंसू दिए हैं ना मैंने तुम्हें, बहुत रुलाया है मैंने तुम्हें, पर मुझे आज एक एक तुम्हारे आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि मैं आज भीड़ में अकेला हो गया हूँ। मुझ पर कोई नहीं भरोसा करता आजकल, जानते हो क्यों? सब हंसते हैं मुझ पर, उन्हें लगता है कि मैं उन्हें फिर से धोखा दे दूंगा जैसा मैंने तुम्हें दिया है। मैं आज पछता रहा हूँ, बहुत मैं पछता रहा हूँ, तुम्हें शायद यकीन ना हो। मैं हर तरीके से हार गया हूँ, हर तरीके से। कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पर मुझे सक्सेस मिल रहा है। मैं कैरियर में एक हारा हुआ इंसान हूँ, मैं संबंधों में एक हारा हुआ इंसान हूँ, मैं सब तरीके से हार चुका हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा तुम्हें बैलेंस करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा तुम्हें दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। जब तुम मेरे साथ थी मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं जानी। कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मेरे से इस तरीके से जुदा हो जाओगी। हाँ, जुदा तो मैंने ही तुम्हें किया है ना, अब तुम क्यों मेरे पास वापस आओगी? मैंने ही तो तुम्हें चोट पहुँचाए हैं, मैंने ही तो किसी और के लिए तुम्हें छोड़ा है, तुम्हारा दिल तोड़ा था, है ना? पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार है, पर यहाँ पर बात यह है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा, मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा। मैं किस मुंह से बताऊँ? आखिर मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे दिल पर खंजर डाले हैं, मैंने किसी और के लिए तुम्हें तड़पाया है, तुम्हें रुलाया है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई है, तुम्हें अंधेरे में रखा, तुम्हें गुमनामी में रखा है, जबकि तुमने तो मुझसे सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं मांगा था, सिर्फ और सिर्फ प्यार मांगा था। इस रिश्ते को बहुत लंबे समय तक ले जाने की एक ख्वाहिश रखी थी तुमने मेरे साथ, पर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया बदले में? तुम्हारे साथ दूसरों की बातें सुनकर लड़ाइयाँ की, है ना? मैं जानता हूँ तुम कभी मुझे शायद माफ़ नहीं कर पाओगी, जो जो हरकतें मैंने तुम्हारे साथ की, तुम नहीं कोई भी इंसान शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पर तुमने तो मुझे झेला है क्योंकि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी ना। पर मैं तो तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि कुछ चमत्कार ऐसा हो जाए हमारी दुनिया में, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहे, हमारी शादी हो जाए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं इस तरीके से फंस गया हूँ लोगों के बीच में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझ में शायद वो ताकत नहीं थी दुनिया से लड़ने की, तुम्हें अपने घर लेकर आने की शायद मुझ में वो हिम्मत नहीं थी, शायद तुम्हारा और मेरा फासला बहुत लंबा था। मैं क्या करूँ तुम बताओ? चाहत आज भी है, कल भी हो, परसों भी होगी, हमेशा तुम्हारे लिए चाहत मेरे दिल में होगी, पर मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। मुझे नहीं समझ में आता कि अब मैं तुम्हारे पास वापस कैसे आऊं। मुझे लगता है कि मेरे दिल की ख्वाहिशें मेरे दिल में ही रह जाएंगी और मेरी सांसें निकल जाएंगी, और मैं तुम्हें गुमा चुका हूँ, मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकता अब। तुम्हारे जैसे इंसान को मैंने पाया और कुछ ही पलों में मैंने खो दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने लोगों की बातें सुन ली, मैंने कभी भी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें फिर से वो सब चीज़ें देना चाहता हूँ जो तुम मुझसे हमेशा मांगती रही और मैंने हमेशा तुम्हें ठुकरा दिया।
मैं आज भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करूँ जो भी तुमने मुझसे मांगी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। समझो मेरी बातों को, मैं बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से मैंने दुआएं मांगी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तैयार हूँ। मैं किसी भी समस्याओं से लड़ने के लिए, तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बहुत मजबूर हो रखा हूँ। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ऊपर वाले से, करोगी ना? मैं चाहता हूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ छोटे छोटे बच्चे चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की अंतिम सांसों तक तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यही है मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे साथ ही जीना है, तुम्हारे साथ ही मरना है। पर मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्यों नहीं मांगते तुम अपनी दुआओं में मेरे लिए? क्यों नहीं तुम बोलती अपने ईश्वर से कि हम दोनों को एक बना दे, हमारी शादी हो जाए? मैं तो नादान था, मुझसे गलतियां हो गई, तुम तो समझदार हो ना, तुमने तो मुझसे सच्चा प्यार किया था ना। फिर क्यों कोई चमत्कार नहीं हो रहा? क्यों तुम मेरी लाइफ में नहीं आ रही? क्यों तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन रही? मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए, ऊपर वाला मेरी विनती सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले और तुम्हें जो है मेरी लाइफ में फिर से लेकर आ जाए। मैं मेरी बस एक ही तमन्ना है, मेरी बस एक ही तमन्ना है। तुम तो मुझे सोचते हो ना कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैं जानता हूँ। पर आज जब तुम मेरे पास नहीं हो ना, तब मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है, तब मुझे अब जाकर तुम्हारे सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है कि मैंने जिसे ठुकराया था उसके बिना तो मैं सांसें भी नहीं ले पा रहा हूँ। मैं बुरी तरीके से हार चुका हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं बुरी तरीके से हार चुका हूँ अपनी जिंदगी से। प्लीज़ प्रेयर्स करो, प्लीज़ प्रेयर्स करो, कुछ तो प्रेयर्स करो ताकि हमारी दोनों की लाइफ फिर से अच्छी हो जाए। मैं तुम्हें नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें तो लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हें कब समझ आएगी ये बात? चाहता हूँ मैं तुम्हें, प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, मेरी नादानी से कुछ गलतियाँ हो गई है, उसे माफ़ करो, मेरी मदद करो ताकि मैं इन सब चीज़ों से निकल पाऊँ। मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, लोग मुझसे लड़ते हैं, लोग मुझसे भरोसा नहीं करते, क्योंकि मैं हर तरीके से अब गरीब हो चुका हूँ ना। ना मेरे पास रिश्ते बचे, ना मेरे पास पैसे रुपए हैं, है ना, मेरे पास कुछ तो नहीं है। तुम थी और आज तुम भी नहीं हो, तो लोग क्यों मुझ पर भरोसा करेंगे? मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस आज इसी उम्मीद में हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहला जैसा हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हो सकता है कि मुझे फंसाया गया हो सकता है कि मुझे तुमसे दूर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चाल चली गई हो, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, पर तुम्हें तो ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती ना। तुम्हें सिर्फ मेरा धोखा देना नज़र आता है, तुम्हारा दिल तोड़ना नज़र आता है। तुम्हारी नज़रों में तो मैं सिर्फ एक धोखेबाज हूँ ना, पर तुम्हें कहाँ समझ आएगा कि मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए कितना प्यार है। मैं बस तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, पर मेरे रास्ते सब बंद पड़े हुए हैं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ऊपर वाले से कुछ दुआएं मांगो। मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे और करता रहूँगा, पर जो चीज़ें तुमने मुझसे मांगी थी, जिस चीज़ की इच्छाएं तुम्हारी थी, वो शायद देने में मैं अनकना रहा हूँ, क्योंकि मेरे रास्ते आसान नहीं है, मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं है। पर दिल की ख्वाहिश तो यही है ना कि तुम्हें पाना है, तुम्हें पाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। हो सके तो अपनी दुआओं में मुझे याद करो, हो सके तो अपने भगवान से कहो कि हम दोनों को फिर से मिलवा दे, हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों का परिवार बस जाए, क्योंकि मेरे हाथ में शायद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर नहीं सकता, कर नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी ताकत थी, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा भरोसा हो, भले ही मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, भले ही मैंने तुम्हें अपनी दुनिया से अलग किया है, पर सच्चाई यही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, और इस बात को कोई नहीं बदल सकता।
बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और तुम और मैं पहले जैसे ही एक हो जाए। बस मैं इसी भरोसे पर अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरी मन्नतों में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। बस तुम्हें इतना ही कहना है मुझे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी कर गुजरूंगा। आई नो आई हर्ट यू सो मच। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, आज भी करता हूँ। आई हैव सेम फीलिंग्स फॉर यू। मेरी भावनाएं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। तुम मुझसे प्यार करती हो और वही भावनाएं मेरे दिल में भी है तुम्हारे लिए कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई हैव सेम फीलिंग्स फॉर यू। गाइस, मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई शायद। मुझे जो मेरे मुंह में आया मैंने फटाफट मैंने वही बताया है गाइस, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स देकर जो मुझे फीलिंग हुआ है ना इस इंसान के बारे में, दैट ये इंसान बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इस इंसान ने भेजी है। ये दिखाती है कि ये इंसान आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, पर इस इंसान ने पास्ट में आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की है ना। आप इस इंसान के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे है ना, पर इस इंसान का शायद झूठ कभी ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे झूठ इस इंसान ने आपके साथ बोले हैं, आपको मजबूर कर दिया, आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, आपको अपने से अलग कर दिया इस इंसान ने है ना। पर ये इंसान आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर है ना, आपको आंसू देकर, ये इंसान खुद भी पछतावे में है। मुझे ऐसे एनर्जीज मिली है गाइस आज, ओके, कि जब इनसे गलती हो गई, गलती तो इन्होंने की है, बहुत सारी गलतियाँ की है, चाहे खुद के इच्छाओं से की है या किसी और के कहने पर की है, पर गलतियाँ तो की गई है गाइस है ना। दिल तो आपका तोड़ा गया है ना। पर आज खुद ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो खुद इस इंसान पर, आपके पर्सन पर भरोसा नहीं कर रहे। ट्रस्ट बिल्कुल इन्होंने घुमा दिया है। तो बहुत अकेला ये इंसान अपने आप को महसूस करते हैं आपके बिना है ना। और ये इंसान अभी भी फंसे हुए हैं और इन सब चीज़ों से ये निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का दो दो कार्ड आया है। ये इंसान मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन समस्याओं से निकलने के लिए। इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस, पर आप देख सकते हैं यहाँ एक्शन का एक भी कार्ड नहीं निकला। मैंने इतने सारे कार्ड्स निकाले पर ये इंसान कोई एक्शन लेता हुआ मुझे यहाँ नज़र नहीं आया। इसकी वजह ये है कि ये इंसान बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए हैं कहीं पर। ये बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं गाइस, ओके, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करो। ओके, आपको इनकी हेल्प करनी है क्योंकि ये तो बस ऊपर वाले के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं। मुझे ऐसे एनर्जीज इस इंसान की नज़र आ रही है कि इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा, जो करना है अब ऊपर वाले को करना है। तो ये आपकी मदद चाहते हैं इसमें, इन सब चीज़ों से निकलने में। और गाइस, आपको कैसे मदद करनी है? ऐसे लोग जो यहाँ पर गलत एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नहीं करना है गाइस। यहाँ पर देखिए, दो दो कार्ड्स जो आया है वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, ओके। तो आप अपने पर्सन की सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मदद कर सकते हो इन सब समस्याओं से निकलने में, ऐसे ऐसे लोगों के ट्रैप से निकलने में। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आपको इनकी मदद करनी है और मैनिफेस्टेशन करना है। आपको अपनी दुआओं में हर वक्त
है ना, हर वक्त आपको बददुआ नहीं देनी है अपने पर्सन को, बस आपको जो है प्रेयर्स करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है कि आपके पर्सन आपके पास आ चुके हैं, इस तरीके से आपको उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है गाइस। मैनिफेस्टेशन ही एक तरीका है जो आपके पर्सन को इन इन सिचुएशन से, इन एनर्जी से बाहर निकाल कर आपकी तरफ लेकर आएंगी। तभी यहाँ पर एक्शन का कार्ड नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद चाहते हैं कि आप इनके लिए दुआएं करो, ओके। और आपकी दुआओं में बहुत पावर होगी, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। आपके मैनिफेस्टेशन से, आपकी दुआओं से ही ऐसे लोगों की यहाँ पर हार होगी जो आप दोनों को जुदा करने पर यहाँ पर लगे हुए हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही बेबस मुझे नज़र आए हैं, लाचार मुझे नज़र आए हैं। आपको भेजा तो है इन्होंने, अपने से दूर तो कर दिया है, पर इस इंसान के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। हेरोफेंट यहाँ पर आया है, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, लव मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, और बॉटम में भी आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं। देखिए इस इंसान की इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, ठीक है, पर यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप कर दिया गया है गाइस। चाहे तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक से इन्हें ट्रैप किया गया है, या फिर कोई तो एक ऐसा इंसान है, इंसान तो एक नहीं बहुत सारे हैं। फाइव की कितनी एनर्जीज आई है आप खुद देख सकते हो ना, इंसान तो बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो नहीं चाहते आप दोनों को एक होना। दे डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी टुगेदर अगेन, है ना। पर अगर आप चाहते हो कि ये इंसान इन सब से इसी तरीके से लड़ भिड़ कर, है ना, आपको अपनाए, आपके पास आए, तो आपको भी अपनी तरफ से कुछ हेल्प करनी होगी, मैनिफेस्टेशन करनी होगी गाइस, ओके। बिना भूले आपको इतना तो करना ही होगा अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकल कर आपके पास आए, ओके। तो गाइस यही थी बहुत ही खूबसूरत चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, मेरी जवानी। मुझे बहुत ही, मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई जब मैं ये बता रही थी, जब मैं ये कार्ड्स देख रही थी, और इस इंसान की मजबूरी जब मैं देख रही थी, है ना, कि प्यार होते हुए भी ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे एनर्जीज मुझे इनकी नज़र आई है गाइस, ओके। तो हेल्प देम टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जी एंड सिचुएशन, ओके। बस रीडिंग देख कर यू नो कमेंट करके कुछ नहीं होगा, आपके तरफ से भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ मैनिफेस्टेशन करो, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, पर आप लोग नहीं करते हो गाइस, ओके। एक बार, एक घंटा, दो घंटा करके छोड़ देते हो, कंटिन्यू करके करते रहो ना गाइस, क्या फ़र्क पड़ता है इतना कर लोगे अगर आप अपने प्यार को बचाने के लिए, है ना। तो मैनिफेस्टेशन का वीडियो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी, जिनको नहीं पता इसके बारे में, ओके। तो आपको जो है फॉलो करना है और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना है गाइस। तो इतना कहते हुए रीडिंग को अब मैं कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।